क्या हुआ था आपके भाई को, किस तरह से सीनियर में पूरा बताइए। वो काम करने गए थे, बाबा वापस आ रहे थे उधर से, उधर बाढ़ आई थी ना, रास्ते बंद हो गए थे, घर पे फोन बात हो रही थी, हम घर आ रहे हैं, वे वापस चले गए उधर, गाड़ी में थे, गाड़ी डूब गई थी इसमें। कुछ सरकार की तरफ से कुछ मदद? कुछ नहीं मिला है, वो मिलने चाहिए, बच्चे हमारे भाभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो और पिता है वो ही घर का सहारा उनका, वो ही चला गया था, फिर क्या करना। हाँ वो 4-5 साल से उधर जा रहे थे पट्टे पर काम करने के लिए, तो वो वापस आ रहे थे, वहाँ बाढ़ आ गई, गाड़ी वहाँ डूब गई, वहाँ उनकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल गए, वहाँ किसी ने देखा नहीं उनको। बहुत मुश्किल हो गई, अभी 4-5 दिन 6 दिन के बाद तो लाश पहुंची, बहुत मुश्किल से लाश मिली वहां से, 4-5 लोग लेने के लिए गए हुए थे, वो भी बहुत परेशान हुए। सरपंच गए थे, डैडी गए हुए, उनके चाचू जी साथ में, गवर्नमेंट मदद करती है, हमारी गवर्नमेंट ने कोई मदद कोई मदद की नहीं हमारी, हम गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहाँ से लाने, और छोटे छोटे बच्चे 5-6। मैं सरपंच मिश्रीवाला गुरबचन सिंह, साढ़ा इतने एक लड़का सी दीपक कुमार, दीप कुमार था, जो मजदूरी के लिए हर साल श्रीनगर में जाता था, लेकिन कुदरत की वजह से जब फ्लड आया उसमें इसका मौत हो गई। जब इसका मैसेज हमें PCR 12 तारीख को मिला, तो 12 तारीख को हमें PCR से कानाचक थाना में मिला, थाना वालों ने हमें बोला कि दीप कुमार का वो लड़का है जो इसकी डेड बॉडी सोरा हॉस्पिटल पड़ी है श्रीनगर में। 13 तारीख को हम इधर से 3 लड़के, उसका चाचा प्रकाश चांदी, मैं और इसके साथ एक लड़का था, हम तीनों दूसरे दिन स्पाइस जेट पर हम चले गए श्रीनगर। जब श्रीनगर में पहुंचे तो हमें 6 किलोमीटर का सफर जो था पानी में गुजारना पड़ा। सोरा हॉस्पिटल जब हम पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो पुलिस स्टेशन में जाकर मैं SHO साहब जो मुश्ताक साहब हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि सोरा हॉस्पिटल जाके जो डेड बॉडी हमने पहचानी, और डेड बॉडी लेकर हम उधर से जब वापस आए तो फिर 6 किलोमीटर हमने पैदल डेड बॉडी उठाकर 6 किलोमीटर सफर कर उसको पानी से बाहर निकाला। उसके बाद हमें एयरपोर्ट पर जो टेक्निकल जो हवाई स्टेशन था वहाँ हमें आर्मी वालों ने बहुत परेशान किया, हमारा डेड बॉडी उसे उन्होंने जम्मू नहीं लाया। लेकिन उसके बाद हम फिर आए सिविल एयरपोर्ट पे, वहाँ से हमने अपने खर्चे पे ही वो डेड बॉडी घर में लाई है। ये बहुत गरीब परिवार है, इसके 2 बच्चे हैं, इसका मजदूरी से वो पूरा साथ था कि मजदूरी का पालन पोषण बच्चों को करता था। गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे इस प्रकार परिवार को एक प्रायोरिटी बेस पर कि अभी भी इसका कोई भी जो पालन पोषण करने वालों का एक बूढ़ा बाप है जिसकी उम्र 100 साल है, उसको अभी कोई पता नहीं कि मेरे घर में क्या कहर बरता है, अभी उसको कोई बहुत परेशानी हो रही है। मैं गुजारिश करता हूँ इसका शुक्रिया अदा करता हूँ डीप काम का भी और SSP उत्तम चंद का भी, सरकार की तरफ से सरकार की अभी तो हमें कोई मदद नहीं मिली।